नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार से जुड़ी हुई है। खबर आ चुकी है सामने, आज शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार होगा। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि आज होने वाले विस्तार में 20 से ज्यादा नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर सुबह से ही पीएम आवास पर हलचल तेज है और अब वहां पर नेताओं सांसदों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंच गए हैं, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। आज शपथ लेने वाले संभावित मंत्रियों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बातचीत होगी संभावित चेहरों के साथ। करीब 20 चेहरे आज शपथ ले सकते हैं, इस बात की जानकारी आ रही है। पशुपति पारस, मीनाक्षी लेखी पीएम आवास पहुंच चुके हैं, अनुप्रिया पटेल पहुंच चुके हैं, नारायण राणे वहां पहुंच चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको लेकर लगातार कयास भी लग रहे थे कि अब कैबिनेट विस्तार में इनकी भूमिका होगी, इन्हें जगह मिलेगी। लेकिन देखना यह होगा कि कैबिनेट विस्तार के बाद किसे क्या पोर्टफोलियो मिलता है, किस जिम्मेदारी के साथ पार्टी में आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि आगे अग्नि परीक्षा चुनावों की भी है। उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनाव होना है, उसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी चुनाव है और ऐसे में इस अग्नि परीक्षा को देखते हुए कैबिनेट विस्तार से आज क्या संदेश निकलेंगे, इस पर निगाहें रहेंगी। और इस वक्त पीएम आवास पर हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं, चित्रा त्रिपाठी वहां पर मौजूद है, साथ ही हिमांशु वहां पर मौजूद हैं। चित्रा, सबसे पहले तो दिखाइए किस तरह की हलचल है तस्वीरों में, क्योंकि आज निगाहें पीएम आवास पर टिकी हुई हैं। शाम 6 बजे के लिए बड़ी खबर यहीं से निकलनी है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने, बस कुछ देर का और इंतजार, हलचल तो यहाँ पर सुबह से ही तेज है, क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मीडिया की ओर से बार बार सवाल पूछे जाने पर भी जवाब नहीं दे रहे थे, वो तमाम चेहरे अंदर इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। अमित, मेरे कैमरा पर्सन, मैं चाहूंगी जरा आसपास की तस्वीरें आपको दिखाएं, हालांकि ये बाहर की तस्वीरें हैं लेकिन अंदर हलचल तेज होगी यकीनन, जिस बात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और मीनाक्षी, जो बार बार आप जोर देते हुए कह रही कि उत्तर प्रदेश जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगले साल नहीं 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2017 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती बीजेपी के सामने है, ऐसे में सबसे बड़ा चेहरा अनुप्रिया पटेल जो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा वो मानी जाती हैं, मिर्जापुर से दो बार से लगातार वो जीत रही हैं। पिछली बार मोदी सरकार पार्ट वन में वो मंत्री भी रही थी लेकिन दूसरी बार उनको नहीं बनाया गया तो बहुत सारे सवाल भी उठे, लेकिन इस बार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है इस तरह की उम्मीद की जा रही है। और अनुप्रिया पटेल भी अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रही हैं। जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े चेहरे हैं उसके बारे में जल्दी से मैं आपको जानकारी देते हुए फिर मैं आ जाऊंगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का इनाम उनको मिल रहा है, नारायण राणे और भी तमाम जो चेहरे हैं, सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए असम के, लेकिन उनकी भूमिका भी इस बार बहुत बड़ी रखी जानी है मोदी मंत्रिमंडल में। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की हम कर लेते हैं। देखिए, अनुप्रिया पटेल वैसे तो वो कुर्मी जाति से आती हैं जिनकी तादाद 4% है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हार और जीत ये पार्टी तय कर सकती है और इसी वजह से कुर्मी समुदाय को अपने साथ रखना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ओबीसी के बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी बार बार अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। कल भी हमने शाम में खबर देखी थी, जैसा कि हिमांशु ने हमारे तमाम दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई थी कि किस तरह से ओबीसी चेहरों को अपने साथ जोड़कर बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर गैर यादव ओबीसी की हम बात करें तो 32% उनकी तादाद है और उनको अपने साथ रखकर और 18% जो अपर कास्ट है उनको अपने साथ रखकर और को अगर हम जोड़ दें तो 50 से ज्यादा इनकी तादाद होती है, उसके जरिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2022 में कमल खिलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर रही है। उसके बाद तमाम जो चर्चित चेहरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको लेकर लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर कब बनेंगे मंत्री, कब वो समय आएगा, और जैसी ये खबर सामने आई हम सब ने देखा महाकाल के दर्शन के बाद महाकाल आ गई उनके पास और कल ही वो आ गए और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव बिहार जिताने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी, हम सब जानते हैं कि बीजेपी बिहार में आरजेडी से सिर्फ एक सीट पीछे रह गई थी लेकिन बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, बहुत ज्यादा सीटें हासिल करके लेकर आई थी, भूपेंद्र यादव की उसमें बड़ी भूमिका थी। वैसे तो वो राज्यसभा के सांसद हैं, दो बार से लगातार वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं के वो रहने वाले भी हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव बीजेपी में बड़ा कद रखते हैं और इस बार उनको मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये तमाम चेहरे जो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं उनके तमाम नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर उन
सभी से मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं तो वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है। और आज बिल्कुल, और इसीलिए बड़ी खबर का भी इंतजार है चित्रा, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। हिमांशु भी मौजूद है हमारे साथ। हिमांशु, देखिए सवाल तो लेकिन एलजेपी को लेकर भी है कि एलजेपी को किस तरह से शामिल किया जाएगा, क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। पशुपति पारस बेशक वहां पहुंचे हैं लेकिन एतराज तो चिराग पासवान भी जता चुके हैं, तो चुनौती होगी इन संबंधों को साधने की भी। हिमांशु, और अब जो जानकारी मिली है, देखिए बिल्कुल जिस तरीके की नाराजगी जो है चिराग पासवान ने जताई है, उस नाराजगी का कोई ये कह सकते हैं कि उसको कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा। उसका रीजन ये है कि प्रधानमंत्री का राइट है किस सांसद को मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, या कोई सांसद नहीं भी हो दोनों सदनों से तो भी प्रधानमंत्री जो है उनको मंत्री बना सकते हैं, और अगले 6 महीने के अंदर उनको राज्यसभा या लोकसभा से सांसद होना होता है। अब चिराग पासवान का ये कहना है कि वो कोर्ट चले जाएंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर वो कोर्ट भी जाते हैं तो ये कभी कैबिनेट में नहीं आता, ये एलजेपी के कोटे से है, ये बीजेपी के कोटे से है। मंत्री मंत्री होता है, वो सांसद होना जरूरी है, वो किसी पार्टी से है या नहीं है इसके लिए बहुत बड़ा ये चर्चा का विषय नहीं है। और इसीलिए चिराग पासवान की ये बौखलाहट हो सकती है कि वो ये कहें कि अगर एलजेपी के कोटे से बनाया गया तो वो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने पर शायद मुझे लगता है चिराग पासवान कहने के लिए कह रहे हैं लेकिन वो कोर्ट नहीं जाएंगे।